बहुत ही यूनिक शेप का समोसा है और देखते हैं कि अंदर, अरे यार जबरदस्त भटूरा किसके है भाई? तो पाताल से भी जवाब दे देगा। चीखना चिल्लाना चल रहा है। सिंगल भटूरा मैंने मंगाया, ये आ गया। छोले बहुत अच्छे हो, भटूरा कच्चा पक्का हो। और ये कमाल 1964 से लगातार हो रहा है। 80 आपकी गिनती बुला दी मैंने, अब तो भूल गए। अरे हो गया, अरे भूल गए। इन सब मसालों को ठंडा करने के लिए प्रकाश की कुल्फी के बाहर खड़ा हूँ। चटखती महकती शरारत सी खुशबू, वो बेलफ्ज़ जज्बात, तेरे होने का एहसास, वो ज़माने समेटे और यादें संभाले, कुछ हमारी है कुछ तुम्हारी खुशबू। जमजम परफ्यूम्स। लखनऊ में एक नए दिन की शुरुआत है और आज गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी को गर्मी से मारने के लिए सोचा कि चाय पीनी चाहिए। लखनऊ में हो और चाय पीने का मन हो तो एक ही नाम जहन में आता है, शर्मा जी की चाय। नोवेल्टी चौक पर हूँ, लखनऊ में हूँ, शर्मा जी की चाय की दुकान के बाहर हूँ। एक ख़ास शेप के समोसे और बेहतरीन सी चाय। एक तो आपकी इजाज़त के लिए, एक आपकी मुस्कुराहट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ से जा रहे हैं, हमें वीडियो में इससे ज़्यादा शर्मा जी मयसर नहीं होंगे। इजाज़त है सर, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आप हमको इतनी जगह फैला रहे हैं। नहीं, शुक्रिया बनी आप लोग। नहीं, बिल्कुल आप लोग ना तो हमको जानने वाले, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में जान है तो हम सब यहाँ आ रहे हैं। थैंक यू। तो साहब अंदर चलते हैं। भाई साहब थोड़ा रास्ता देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेटअप सिंपल सा है, मेन्यू छोटा सा है, लोग सादे से हैं। इस तरह से लगा रखा है कि लोग इस शॉप से दूर भी रहें और वो सर्व भी किए जा सके। आज की इस वीडियो में मेरे साथ जो मेरे, समझ लीजिए कि मेरा पूरा गाइड मुझे करेंगे, हमारे एक लोकल मेहरबान मेरे साथ हैं। नाम है आशीष श्रीवास्तव। आशीष, थैंक यू सो मच, आपका वक्त आज मुझे मिल रहा है। देखिए, दिन की शुरुआत तो चाय से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली अपने एक पतीला लिया, दूध डाला, पानी डाला, सारी चीज़ें डाल दी और उबाल का वेट करते हैं, चाय बन जाती है। मगर इनका अलग है, चाय दूध अलग काम करते हैं, दूध में अलग उनकी प्रिपरेशन रहती है, चाय में पत्ती और ये सारी चीज़ें डाल के अलग प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको मिक्स कर देते हैं। चलिए, थोड़ा ईरानियन टाइप की जैसे। अच्छा, तो वो तो यार बढ़िया होगी। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं। आ जाए, चले आइए। चाय ने इतना नाम पैदा कर दिया कि हमें दिल्ली तक आवाज़ आ गई। चाय जो है हमारे दादाजी ने, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने स्टार्ट किया था 1950s के आसपास। अलीगढ़ के पास एक जगह है हरिद्वार गंज, तो वहाँ से वो आए, अपना 4-5 साल में अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया, ये जगह ली। एक चाय बनाने का तरीका शुरू से उनका ऐसे ही रहा। और जो समोसे हैं हमारे यहाँ का गोल, आपने खाए होंगे तिकोने, हर जगह कहीं भी बनिया, तो हमारा समोसा गोल, ये दादाजी का ही हमारा दी हुई डिज़ाइन है। और बटर आपका जो होता है येलो होता है, मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वाइट, हमारा वाइट बटर है, वो भी हमारे दादाजी के बनाया हुआ है। मतलब बटर आपके यहाँ अपना बनता है? जी, बटर हमारा खुद का है। समोसा और चाय तो है ही है। देखिए, आपसे बातें करते करते, सॉरी मैंने बीच में टोक दिया, इतनी ज़बरदस्त समोसे की खुशबू आ रही है कि समोसे ने खुद आवाज़ दे दी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे खाकर जाना। आपने कितना पढ़ा? बीकॉम हो गया, हम ग्रेजुएट इन बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स। ये सवाल मैं आमतौर पे सारी नई नस्ल से करता हूँ जो अपने पुराने बाप दादा के काम को संभाले बैठी होती है कि आपने पढ़ा कितना। बताना ये है कि जब नई नस्ल तालीम हासिल करने के बाद अपने पुरखों के काम को लेकर आगे चलती है तो शर्मा जी की चाय की दुकान बनती है, जो दिल्ली तक और दिल्ली से बाहर और सारे इंडिया में मशहूर हो जाती है। शर्मा जी, थैंक यू सो मच, जितना भी टाइम आपने दिया। थैंक यू। आशा करता हूँ ऐसी चाय मुझे बराबर देते हैं। अरे बिल्कुल साहब, आपकी चाय जो है ना, उसमें कुछ खासियत है। अच्छा, चाय बन कहाँ रही है? देखें चाय ये रही। कहाँ से लेते हैं? दूध है, सब डेयरी का रहता है, सब फ्रेश है। काफ़ी सारी टेस्टिंग के बाद ही दूध को ओके किया जाता है, तब यहाँ पर के चाय तैयार होती है। यहाँ टेस्टिंग होती है दूध की? हाँ, बिल्कुल, बिना टेस्ट के कोई काम ही नहीं। अच्छा, दूध खास है, पत्ती भी कुछ खास है क्या? जी, पत्ती की भी टेस्टिंग होती है। जैसे दूध हो गया, पत्ती का भी सैंपल बराबर टेस्ट होता रहता है उसका कि कौन सी बेस्ट है, जो बेस्ट एंड बेस्ट हम देख सकें। तो मानव ने बताया कि इनका जो बटर है वो भी अमूल बटर नहीं है, इनका ख़ास कोई प्योर बटर है, अलग से ये लोग बनाते हैं अपने यहाँ। इनके यहाँ बनता है ये बटर और उसके बाद इनके यहाँ इस तरह से बन मस्का इसको तैयार कर दिया जाता है। बात ये है कि दो तीन चीज़ें अगर आपके साथ हो, जैसे ईमानदारी, लगन और अच्छा खिलाने का जज्बा, अगर ये आपके पास है तो एक चाय की दुकान पे भी नस्लें बदली जा सकती हैं, इस एक काम से भी खानदान पाले जा सकते हैं। थर्ड जनरेशन मानव शर्मा अंदर खड़े हुए हैं और अपने काम में इसी तरह मसरूफ हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद आए हैं। मानव, पैकिंग के लिए जाती है चाय? हाँ हाँ, पैकिंग होती है ये सर हमारी, ये है पैकिंग, इसमें चाय लग जाती है, पैक हो जाती है इसमें चाय, और इसमें कम से कम नहीं तो आधा पौन घंटा चाय गर्म रहती है। हाँ, ये आपने खास तौर से डिज़ाइन कराई है? जी जी, फूड ग्रेड है? जी जी, परफेक्ट है एकदम, सारे फूड मार्जिन से लेकर के सारी चीज़ें एकदम ओके। यार ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जब मतलब पहले 3 कप चाय पैक करने के लिए आपने 3 कप्स में निकाली है, उसको नापा है, उसके बाद इस थैली में पैक करके बस तैयार। ये चाय चाय यार चाय, 1 मिनट दिखाओ ज़रा। इस तरह की पैकिंग चाय की यार पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। शर्मा जी, हमें एक चाय एक समोसा दे दीजिए। ये हमारी आशीष। अच्छा जी, तो ये ख़ास समोसा जो अपने यहाँ का बहुत ही यूनिक शेप का समोसा है, अगर इसको समोसा हम ना बताएं तो मुश्किल ही कि कोई इसको समोसा मानेगा। ये इनकी वो ख़ास चाय है जिन्होंने इनको नामवरी दी है, और ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। इनके यहाँ बन मस्का भी होता है, हमने सिर्फ समोसा लिया, बहुत गर्म गर्म है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखते हैं कि अंदर, अरे यार ज़बरदस्त, बहुत ही गरम गरम समोसा है ये, और इसके अंदर जो मसाला है काला मसाला है और बड़ा खुशबूदार है। जैसे ही समोसा खुला है, समोसे के खुलते ही खुशबू आई है, सारी जान इसके आलूओं में होगी, और इसके आलू बहुत गर्म है जो शर्मा जी की चाय पर है। ये है शर्मा जी की चाय और ये है समोसा। लखनऊ के अंदर ये एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त समोसा है, अगर ये समोसा दिल्ली में अवेलेबल हो शायद मैं रोज़ खाऊं। इसके लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं है, आप बरसात का इंतज़ार मत कीजिए, आप बस समोसा खाइए। ये कमाल है, नो नॉनसेंस है, कोई फालतू चीज़ें नहीं है। आपको अलग से ना हरी मिर्च दिखेगी ना काजू किशमिश इसके अंदर ज़बरदस्ती डाल रखी है, असल में समोसे का मसाला है। मसाला भी इनका ख़ास है, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रहा है। समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं। लखनऊ का एक बहुत ही बिजी एरिया है, लगातार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, सिटी का सेंटर है। नोवेल्टी चौक के पास में मैं हूँ। इस शर्मा जी की चाय का, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, पहला सिप लेते हैं। कमाल है, कुछ चीज़ें अपना इंट्रोडक्शन खुद ही होती हैं। पता नहीं भाई, जब आपके दाम इस कदर मुनासिब होते हैं ना, तो फिर रब ही आपको किस तरह से दे रहा होता है मालूम नहीं। 20 रुपये में ये चाय मिल रही है यार, कोई हद है। बड़ा कप है, अच्छा कप है, और 20 रुपये का समोसा है। ये 40 रुपये का नाश्ता है। चाय की सिप में दूध की खुशबू आ रही है। इन्होंने पत्ती अलग पका रखी है, दूध अलग पक रहा है, दोनों चीज़ें हाथ के हाथ मिलाते हैं और आपको दे देते हैं। लगभग कुछ ईरानी चाय का सा मज़ा आ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। हैदराबाद में हमने पी थी ईरानी चाय। ये चाय ख़त्म करते हैं, ये समोसा ख़त्म करते हैं और अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। चाय हुई, शर्मा जी की चाय और समोसा, बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन है, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जो लखनऊ है। अब चल रहे हम, यहाँ पर एक मशहूर छोले भटूरे की दुकान है, सरदार जी के छोले, वहाँ का टेस्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये वाली जो दुकान है यार, यहाँ ये कैप्सूल का बोर्ड लगा है, इसके साथ ये जो दुकान है, ये है असली पुरानी दुकान। अगर आपको कन्फ्यूजन हो, तो सबसे पहले इन तीनों दुकानों में जिन्होंने शुरू किया वो सरदार जी हैं। अंदर बैठे हैं, उनसे बात भी करेंगे। और यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त सा सेटअप जो है, ये तालियों के साथ अपनी आवाज़ देता हुआ ये भटूरा बन रहा है। तो पहले भटूरा किसके भाई? अरे यार, ये तो कोई पाताल से भी जवाब दे देगा तुम्हें। क्या बात है, देख रहा है यार। पहले ही चलो, मैं करो। अच्छा जी, ये इनका हलवा है, वहाँ उनके छोले हैं, वहाँ उनके भटूरे हैं, कुलचे भी हैं, सरदार जी के ये मशहूर कुलचे। आज हम खाकर देखते हैं। हलवे में से ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, यहाँ पैकिंग भी चल रही है। ये सारी पुड़िया जो है ये पार्सल्स के रेडी हो रही है और अंदर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से भीड़ हुई हुई है, लेकिन इस भीड़ में भी काम करना है, हमें अंदर जाना है। अरे अरे, लगा भाई तुम गिर गए यार, तुमने तो डरा दिया। तो शरारती हो यार। अच्छा हाथ भरा हुआ है। एक दुकान जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होगी वो आपको खुद बता देगी कि आपको कहाँ जाना है। उसके अंदर घुसने में थोड़ी सी मेहनत होगी, वो मेहनत करके पसीना निकाल के मैं सरदार जी तक पहुँचाऊँ। 2 मिनट उनसे बात। थैंक यू सो मच सर। बस यही पता है सबको कि बीच वाली ओरिजिनल है। बीच वाली। मैं अभी शर्मा जी के साथ चाय पीकर आ रहा हूँ। हाँ। मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ जाऊँ, कह रहे हैं बीच वाली। हाँ बस यही निशानी बनी हुई है। बिल्कुल। तरनजीत सिंह। कितनी पुरानी? ये 1964 से। 64। तो हमें इजाज़त है यही। सरदार जी छोले भटूरे वालों की दुकान पर हैं, लखनऊ के नोवेल्टी चौक पर हैं। यहाँ 2-3 दुकानें हैं, हम बीच वाली दुकान में हैं। हमने इंक्वायरी करी, हमने 2-4 लोगों से पूछा, हमें पता लगा कि हमें बीच वाली पे जाना चाहिए। वो भी अच्छा कर रहे होंगे, हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम यही आपको बताएंगे जो हम खा रहे हैं। तो बड़ा भारी सा है, वज़न में पता लग रहा है कि इसके अंदर कुछ फीलिंग है। मुझे बताया इन्होंने कि हम पनीर भर के बनाते हैं, तो जो कुछ बताया गया वो सुन लिया गया। अब आगे का जायका ज़बान बताएगी। और खोलते ही पनीर ने कहा है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे मत भूलिएगा, इस भटूरे का मैं हिस्सा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये पनीर है, पनीर का नाम नहीं है। ये बात कहने लायक है क्योंकि इवनली पूरे भटूरे पे ये पनीर इस तरह से भरा हुआ है, ये बिल्कुल बराबर होता है। अब इसको निवाले में लेकर ये छोले दे देते हैं और इसको कहते हैं कि भाई ये छोले तुम्हारे लिए थे इतनी देर से। छोले कह रहे थे कि हमें भटूरा दे दीजिए, भटूरा कह रहा था हमें छोले दे दीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ जायका कुछ अलग अल्फाज से बताया जा सकता है। बदलती हुई नस्लों का इल्म, उसका तजर्बा, लगन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें इस भटूरे के अंदर मुझे साफ नज़र आ रही हैं। भटूरा बेहतरीन है, जायके में पूरी तरह से पनीर से भरा हुआ है। साथ में ये जो छोले हैं ये काबली चने हैं, उमूमन आपको कम मिलते हैं। भाई साहब, सिंह साहब, की क्या कीमत है? क्या कीमत है इसकी? 80 यार, कोई बात ही नहीं है यार। इससे ज़्यादा गरीब परवरी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। ये पनीर से स्टफ्ड भटूरा 80 रुपये के 2 पीस है, 40 रुपये का एक। आप 2 पूरे ख़त्म नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। दावे में अपने लेवल के हिसाब से करो, हो सकता है आप 2.5 खा जाएँ। पकड़िएगा मत बात को। तो बात ये है, आप बहुत तो भटूरा बना दें, छोले में कसर हो तो भटूरे की मेहनत और लागत बेकार है। छोले बहुत अच्छे बना दें, भटूरे में कसर हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। जब तक दोनों चीज़ें अप टू दी मार्क नहीं होंगी। सरदार जी के ये छोले भटूरे मुझे बहुत अच्छे लगे। लखनऊ आएँ तो ये एक मस्ट हैव आइटम है क्योंकि यहाँ की लोकल है। इसमें आपको वो जायके मिलेंगे जो इस आबो हवा में आपको पसंद आएंगे। इसके चंद निवाले और अगला डेस्टिनेशन। सिंह साहब, आपकी गिनती भुला दी मैंने, अब तो भूल गए। अरे हो गया, अरे भूल गए। ये सारा दिन का काम है। कहना ये था साहब कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे बहुत पसंद आया। ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा चीज़ अच्छी बना रहे हैं और पता नहीं आप इस प्राइस में दे कैसे रहे हैं, ये हैरत है मुझे। ऊपर वाला करवा रहा है, बस वो बरकत डाल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुबह से लखनऊ के ख़ास खाने, ऐसे खाने कि जो आप चलते फिरते कहीं भी चटोर के तौर पे खा सकते हैं, हम कवर कर रहे हैं। और कवर करते करते हम सबसे पहले शर्मा जी की चाय पर पहुँचे, उनके ख़ास शेप के समोसे खाए। दुनिया के तिकोने होते हैं, उनका गोल होता है, तो उनका समोसा खाया, उनकी ज़बरदस्त किस्म की चाय पी। उसके बाद सरदार जी के छोले भटूरे खाए जो पनीर भर के भटूरे बनाते हैं, इन सब मसालों को ठंडा करने के लिए आखिर में हमें अमीनाबाद आना था, क्योंकि अमीनाबाद में वो सामान है, वो कुल्फ़ी है जो इन मसालों को ठंडा करेगी। प्रकाश की कुल्फ़ी के बाहर खड़ा हूँ, अंदर कुल्फ़ी बन रही है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बन रही है। ट्रेडिशनल है, देसी है, ठंडा है, रिवायत है, अमीनाबाद है, लखनऊ है और आपका हमारा साथ है। चलते हैं कुल्फ़ी खाते हैं। अच्छा जी, जब आप लखनऊ में होते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि ये वो जगह है कि जहाँ गाली भी आप जनाब के मखमल में लपेट के पेश की जाती है। बड़ी तमीज़दारों का शहर है, बड़े नरम गुफ्तारों का शहर है और इस नरम गुफ्तारों के शहर में ये ठंडी कुल्फ़ी एक अजीब कॉम्बिनेशन है। चेक करते हैं तो ये इस कुल्फ़ी की आवाज़ है। कुल्फ़ी कहती है कि मैं यहाँ हूँ। इस रेस्टोरेंट की भीड़ देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये शायद लंच और डिनर सर्व करने वाला रेस्टोरेंट है। हालांकि यहाँ जितनी भी ये भीड़ है, ये सारे वो लोग हैं जो कुल्फ़ी खाने आए हैं। विनोद पाल सर, ये 1956 से स्टार्ट है, 65 साल हो गए। सर्दी में भी बिकती है? हाँ, सर्दी में भी चलती है। या कुछ और आइटम रखते हो? नहीं, यही आइटम रखते, यही चलता है 12 महीने अपना, यही केसरिया बादाम पिस्ता सबसे ज़्यादा है। एक खिलवा दीजिए भाई हमें भी। कितने की एक होती है? इसमें सर 80 रुपये की हाफ है, तो एक हमारे लिए निकलवा दीजिए। आप ज़रा मुस्कुराते रहिएगा। क्या बात है, ऊपर से क्या डालते हो? इस सख्त गर्मी में इसकी बहुत ज़रूरत थी कि कोई ऐसी चीज़ आप खा लें आखिर में कि जो आपके मसालों की गर्मी भी मार दे और मौसम की गर्मी भी मार दे। प्रकाश की कुल्फ़ी है, अमीनाबाद वाले आउटलेट पर हूँ। पुराना आउटलेट यही है, मेन दुकान यही है, अमीनाबाद के बिल्कुल चौक में है। तो आप सारे खाने खा लें, उसके बाद यहाँ आइएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बहुत रिच है, ये बहुत ज़ाफ़रानियत लिए हुए है, ये लखनऊियत लिए हुए है, ये रिवायत लिए हुए है, ये मोहब्बत लिए हुए है। ये लखनऊ की कुल्फ़ी है, अमीनाबाद की है। ये हमने हाफ़ ली है। हाफ़ मतलब वो जो एक इनका वो सांचा होता है जिसमें से निकालते हैं, ग्लास जैसा जो होता है ढक्कन वाला, उसकी हाफ़ करके दो बन जाती हैं। तो ये उसकी हाफ़ है, लेकिन ये एक आदमी के लिए सफिशेंट है। ये 80 रुपये की है, ये मुझे बहुत पसंद आई। हालाँकि मैं कुल्फ़ी लवर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये कुल्फ़ी बहुत अच्छी है। मैं सोचता था कि कुल्फ़ी में फालूदे का क्या काम, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको जब भी पता लगेगा जब आप इसको कुल्फ़ी फालूदे को एक बार खाएंगे। नॉर्मली मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ की गर्मी देखते हुए मैंने कहा ये खा लेना चाहिए। और उन्होंने एक बात कही कि ये कोई देसी आइसक्रीम नहीं है, कुल्फ़ी होती है, आइसक्रीम होती है। अरोड़ा साहब जो यहाँ बैठते हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फ़ोन पर बात करके मैंने उनसे परमिशन ली और ये कुल्फ़ी आपको दिखानी ज़रूरी थी। तो यहाँ सुबह से चल रहा है इस वीडियो का, जिसमें हमने शर्मा जी की चाय पी, जिसमें हमने शर्मा जी का गोल समोसा खाया, जिसमें हमने सरदार जी के पनीर वाले छोले भटूरे खाए और आखिर में आ गए हम अमीनाबाद इस कुल्फ़ी के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ इस गर्म दिन से, इस लखनऊ से, अमीनाबाद से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत